राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हियर यू गोइंग टू गेट ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम। जी हाँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ सॉल्व होंगी, यू गोइंग टू गेट एवरी वीडियो में। अब क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो का नाम आप जान सकते हैं, दैट इज द चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जी हाँ, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को ध्यान रखना है, मुझे बार बार मुंह के देखना पड़ रहा है कि ग्रोइंग अप एक्चुअली जब मैंने बोला तो इसमें कुछ था। दैट इज सही। वीडियो किन किन के लिए इंपॉर्टेंट, ये वीडियो इनके लिए इंपॉर्टेंट जो बीए का पेपर देने वाले हैं या जो लोग सीटेट के पेपर को दे रहे हैं। जी हाँ, उनका कोर्स कंटेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट उसमें मेजर पार्ट प्ले करता है। तो यहां से ना करते हुए आपका 15 से 20 नंबर का पोर्शन आने वाला है। आपने कहा सर तो इस पेपर को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। जी हाँ, एंड दोस हु आर वर्किंग फॉर बीएड, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जी हाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कंटेंट होगा ही होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सर चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप को लेके कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है दैट दे आर नॉट अनेबल टू क्रैक द पेपर। जी हाँ, पेपर क्रैक नहीं हो रहा सर, हम पेपर लिख के आए, हमने पेपर पूरा लिखा है सर, पेपर ही बहुत अच्छा लिखा, उसके बाद हम क्रैक नहीं कर रहे। दिस सिचुएशन हैज अराइज लॉट्स विद द पीपल और द स्टूडेंट्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सच है, मैंने हाईलाइट की क्योंकि वहां के बच्चों के सबसे ज्यादा मुझे ये टेस्ट आए कि सर क्रैक नहीं कर पा रहे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आई लेट यू नो दैट व्हाट यू शुड डू टू क्रैक अ पेपर। अब पहले बेसिक ये करते हैं कि इस पेपर में हमें करना है, इस पेपर को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें दिमाग रखनी है। मैं इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे सेशन। जी हाँ, एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू वर्क आउट टू क्रैक द पेपर। लेकिन यहां पे आपको कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना है। इस टॉपिक या इस वीडियो को लास्ट तक देखने का सिर्फ और सिर्फ ये फायदा है कि आपको पता लग जाएगा कि यार कौन कौन से टॉपिक ऑन टेबल है, इन टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन भी आएंगे और आपका पूरा पेपर इन टॉपिक से बाहर होने वाला नहीं है। That is for sure. शुरू करते हैं सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की, जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है बच्चे की ग्रोथ फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट। जी हाँ, एक एम्ब्रियो से एक एडल्ट तक की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करना है। अब सर एम्ब्रियो से एक एडल्ट तक की डेवलपमेंट की बात करें तो सर उसमें चाइल्डहुड भी आता है ना सर, अब एडोसेंस भी आता है सर, कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, किन स्टेप्स को करना है, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। देन वी हैव द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, ये बात मैं आपको बोल रहा था, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सच एज चाइल्डहुड एंड एडोसेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द चेंजेस दैट कम्स प्लेस, द चेंजेस दैट प्लेस प्लेस इन द एजेस। जी हाँ, इन एजेस में चेंजेस आते हैं, दो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, वो ऑन टिप होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से आने वाला। आपने कहा सर अब इनको डिटेल में जाना तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना यार, सिर्फ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीएड की प्लेलिस्ट में मोर देन 100 वीडियोस हैं जिनको आप क्लिक करेंगे आपको सारे सॉल्यूशंस, जी हां ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशंस वहां मिलेंगे आपको। आपने कहा सर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैं कहूंगा सीटेट स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, सीटेट स्टूडेंट्स जो पेपर देने वाले हैं अभी या वो सारे बीएड स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर की अटेम्प्ट कर रहे हैं, और स्पेशली वो जिनकी बैक आ रही है बेचारों की इस पेपर में, याद था मैंने बोला था वीडियो शुरू में, उनको ये थ्योरीज ऑन टिप का नहीं, दे रियली नीड टू मेक दीज थ्योरीज ऑन टिप सच एज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे। इसको कई पियाजे बोलते हैं, कोई पायगेट बोलते हैं, इट्स ऑल पीपल टू पीपल। The pronunciation of this particular word being vary from state to state. That doesn't matter. आपको concept clear हो जी। तो here we have the cognitive development of Piaget. जी हाँ, पियाजी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे उसने highlight किया कि cognitive development. What is cognitive development? क्या है? Sensory motor की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को sensory motor too. जो आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन को please दिमाग में रखें कि confirm paper में आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को करना ही करना आपने। Then we have the social emotional development. जी हाँ, the social emotional development by Erikson.
ये हमें अच्छे से पढ़ना है सर. पढ़ने के लिए क्या करेंगे, क्या स्टडीज वो करेंगे सर? वी डू हैव द बुक्स, या यू कैन फॉलो द बुक्स. अलोंग विद दैट बुक्स यू कैन गो फॉर सर्टेन अदर मटेरियल. कहीं से मिलता है तो बेटर है. कहीं से नोट्स ले सकते हैं तो जी हाँ, आप नोट्स ले सकते हैं. अवेल है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, आप यूनिवर्सिटी बताएं. अगर नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट मी टू, मेरा नंबर वीडियो क्लास में होगा. वी कैन गेट द नोट्स ऑफ बी एड टू. तो आपने कहा सर यूनिवर्सिटीज के हिसाब से नोट्स वैल्यू होते हैं, कोर्स कंटेंट अलग होता है इसलिए वैल्यू करते हैं. Then the moral development of Kohlberg. Sir, Kohlberg की moral development theory on tip कर लेना, पेपर में confirm मिलने वाली होती है. और नहीं मिलती तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाता है. अगर हम बात करते हैं सीटेट वालों की, तो उनको ये ऑन टिप चाहिए. दे रियली नीड टू नो. आपने कहा सर अभी तक हमने दो टॉपिक्स, दो इश्यूज को डील किया. फर्स्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट, द अदर वन द थ्योरीज. थ्योरीज में तीन, प्याजे और द पाइगेट थ्योरीज, एंड द सेकेंड वन द एरिक्सन थ्योरी, एंड द थर्ड वन द कोलबर्ग थ्योरी. सेम तीन थ्योरीज के बाद हमने कोई चौथी थ्योरी की बात नहीं की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थ्योरीज. अभी थ्योरीज को कैसे वर्क आउट करना, लिखने का तरीका क्या होगा, उसको दिमाग में रखेंगे. देन जब हम टू द नेक्स्ट वन, जी हां, सोशल कॉन्टेस्ट. व्हाट डज मीन द सोशल कॉन्टेस्ट? क्या है सोशल कॉन्टेस्ट, कैसे वर्क आउट करेंगे, कैसे समझेंगे? दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी. दिस ऑल अबाउट हाउ द सोसाइटी रूल्स. सर द सोशलाइजेशन रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल. अब यहां पे जब मैं सोशलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं आपकी लाइफ में एक स्कूल और फैमिली का रोल, जी हाँ, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ स्कूल एंड फैमिली, कि आपकी फैमिली और आपका स्कूल क्या रोल प्ले करता है आपकी सोशल डेवलपमेंट में, ये ऑन टिप करना है. यू मस्ट वर्क आउट दिस. सो द रोल ऑफ स्कूल एंड द सोसाइटी और द फैमिली डू कम्स, तो हमें ये ऑन टिप आना चाहिए. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, दैट इज इकोनॉमिक चेंजेस. What is mean by the economic changes? So, economic changes की बात करते हैं सर, हम रूरल और अर्बन के डिफरेंसेस की बात करते हैं. We do talk about the difference between the lifestyles of the urban and the rural people, or the educated and the literate ones. Sir, illiterate कहें, literate कहें, या हम concept करें सिर्फ urban rural की बात करें, जो differences हैं, the economic differences that we need to mention. और उससे हमारी development पे क्या impact आता है? What are the changes that can really take place in our level of development? वो point अच्छे से करना है. Then jump up to the very next point, that is economic changes and social changes. दोनों concept लेकर हम आते हैं main issue पे, that is contemporary issues. Sir, contemporary issues की बात करें तो सबसे पहला question आता है marginalization. What is marginalization? Sir, marginalization होता क्या है? सोसाइटी का एक ऐसा तबका, एक ऐसा पार्ट जिसको अवॉइड किया था, दरकिनार कर दिया था. शायद वो पिछड़ा हुआ है, शायद वो डेवलप नहीं है, शायद दे आर लेस डेवलप्ड, शायद दे आर नॉट फुली इकोनॉमिकली सॉलिड एज टू स्टैंड विद यू ओर द सर्टन नॉर्म्स फॉर द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. दोज आर अवॉइडेड बाय एवरीवन, दैट इज नोन एज मार्जिनलाइजेशन. सो उसे बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन. इसको कुछ और ना समझे प्लीज. हम बीएड के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, या हम डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स को जो कि सीटेट में रिपीट कर सकते हैं, तो हमें ये चीजें टिप पे चाहिए. देन द स्टीरियोटाइप. सो व्हाट डू यू स्टीरियोटाइप? तो यहां पे जेंडर इश्यूज को ध्यान रखेंगे. जब स्टीरियोटाइपिंग की बात आती है, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ जेंडर इश्यूज. जी हाँ, जेंडर इश्यूज को दिमाग में रखेंगे, हम समझ पाएंगे कि जेंडर इश्यूज क्या है, कैसे काम करते हैं, और किसी सोसाइटी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे जान सकते हैं, किन किन चीजों को क्लियर करना है, और क्या क्या दिमाग में रखेंगे एट द टाइम ऑफ राइटिंग दीज आंसर्स. नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ मीडिया. हाँ जी, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नो डाउट अबाउट इट. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर, दैट इज द चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. अब ये तो थे वो टॉपिक जो हमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में करने थे. तो सर क्या इन सब टॉपिक्स की हमें वीडियो मिल जाएगी? क्या सर इस पूरे टॉपिक, इस पूरे पेपर के नोट्स हमें मिल जाएंगे? जी हाँ, यू कैन गेट द नोट्स, यू कैन गेट द ऑल द वीडियोस, द लिंक्स ऑफ द वीडियोस, या एग्जैक्टली यू कैन. फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग. नीचे जहां पे हमारे पास डिटेल्स दी होती है वीडियो की, वहां पे मेरा नंबर होता है, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, वो डालेंगे एंड गेट ऑल दैट. एंड सॉरी टू से यू, दैट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर दैट. अब हम आते हैं अपने बेसिस को आगे करते हुए, कि सर ध्यान रखने वाली बात थी कि जिन बच्चों की बैक आ गई,
स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और भी कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैंने कुरुक्षेत्र का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वहां के बच्चों के टेस्ट बार बार आए कि सर प्रॉब्लम हो रही, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका। पहला एक काम करना है आपको, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाएंगे जो इस टॉपिक है, उनको लेने के बाद उन पेपर्स को इकट्ठा करके कुछ 5-6 पेपर्स के कोर्स बदला दें, 4-5 पेपर होंगे आपको उनको लेके उनको एनालाइज करना है। और आप देखेंगे दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन व्हाइल चेंजिंग द वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स को इधर उधर चेंज किया गया और कुछ चेंज नहीं। अब आपको ध्यान रखना है सर पिछली बार भी मैंने शीट्स पूरी भरी थी, मैंने आप सब बिल्कुल परफेक्ट लिखा था, स्टिल आई गॉट बैक, तो चेंज द वे ऑफ राइटिंग, प्लीज डू वर्क ऑन योर राइटिंग, स्टार्ट योर आंसर अलोंग विद द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, जो पूछा गया है उससे शुरू करें, ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर इन रियली इन पार्ट्स, पैराग्राफ फॉर्म में ना दें प्लीज, अलग अलग पॉइंट्स की हेडिंग्स देख के वर्क आउट करें। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप आंसर खत्म करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करें, प्लीज ड्रो अ कंक्लूजन एट द एंड ऑफ एवरी आंसर। एंड वन मोर थिंग प्लीज मस्ट डू इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप जो भी हो फर्स्ट मार्क मिलेंगे, करना क्या है पेपर से पहले पेपर करो, तो पेपर से पहले पेपर करो, अपने आप लिख के प्रैक्टिस करो अभी से, स्टार्ट राइट नाउ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेस्ट मी एट माय नंबर, जी हाँ, और मुझे बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज लेट अस नो हाउ टू क्रैक दिस पेपर, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव द रिप्लाई टू यू गाइस। Till then, keep watching. Video अच्छी लगी तो subscribe करना ना भूलें. Press the button notification. जैसे कोई video upload हो तो आपको notification मिल जाए. And till then, do share with the max number ताकि बाकी भी जो बेचारे फंसे पड़े हैं उनकी help हो जाए. देखते रहो, जल्दी मिलते हैं एक नई video साथ.